अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स होप सो कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमारा जो कन्वेक्शन का अगला टॉपिक है यूजेस ऑफ कन्वेक्शन हम वो देखेंगे. तो स्टूडेंट्स कन्वेक्शन जो हमारी डेली लाइफ में जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर गैस जनरेटर हो गया और हम डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि एयर ग्लाइडिंग हो गई और सुना हम क्या है ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का जो कंसेप्ट लोग हैं सब के सब हम यानी कह रहे ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेक्शन हम शो करते हैं. तो सबसे पहले हम यानी कि देखते हैं ये लैंड एंड सी ब्रीज यानी कि लैंड और सी ब्रीज क्या होता है. अब मैंने एक साइड पे सी बना दिया एक साइड पे मैंने क्या बना दिया लैंड बना दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया सन जो अपनी हीट एनर्जी दोनों को ट्रांसफ़र कर रहा है. ये एक बच्चा है जी जो यहाँ पे क्या कर रहा है काइटिंग कर रहा है. ठीक हो गया. अब हमें पता है कि जो सॉइल की यहाँ पे सॉइल है ये सॉइल की जो हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है और लैंड की जो हीट कैपेसिटी वो क्या सी की हीट कैपेसिटी वाटर की हीट कैपेसिटी क्या होती है हाई हीट कैपेसिटी होती है. यानी कि ये जल्दी देर से गर्म होती है और ये सॉइल जल्दी गर्म हो जाता है. आप चैप्टर नंबर 8 देखेंगे वहाँ पे हीट कैपेसिटी का डिटेल टॉपिक है. अब जैसे ये देर जल्दी गर्म होता है तो इसके ऊपर जो जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं वो भी क्या होते हैं गर्म होना शुरू हो जाता है. अगर हम इस एक एयर पार्टिकल पर फोकस करें जब इसको हीट एनर्जी मिलेगी ये क्या करेगा जी एक्सपेंड करेगा और लो डेंसिटी हो जाएगी. और जहाँ पे लो डेंसिटी होती है वहाँ पे एयर प्रेशर भी कम क्या होता है लो होता है लो एयर प्रेशर होता है. सेम इस जगह क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल्स हैं यानी कि ठंडी जगह है ये और हाई डेंसिटी के बाद हाई एयर प्रेशर है. ठीक हो गया जी. अब ये पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे ठीक है. यहाँ पे हमें पता है कि जो पार्टिकल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ तक आएंगी दिन के टाइम. तो ये जो कोल्ड एयर है क्योंकि लो प्रेशर है तो लो प्रेशर ठंडी जो चीज़ होती है वो हवाएं लैंड की तरफ आएंगी. लेकिन जैसे ही नाइट होती है मून निकल आता है. अब क्या होता है अब क्योंकि वाटर की हीट ऑफ हीट कैपेसिटी कम है तो ये ज़्यादा जल्दी ठंडी भी हो जाती है और ज़्यादा जल्दी गर्म भी हो जाती है. तो ये क्या करते हैं अब क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी कम है तो ये सूरज है कोई नहीं जो ऐसे सोच जो हीट एनर्जी दे तो ये इसकी लो हीट कैपेसिटी है तो यहाँ पे क्या होगा ये हाई डेंसिटी पार्टिकल्स होंगे. ठीक हो गया जी. हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल्स होंगे और यहाँ पे हाई प्रेशर होगा. लेकिन दिन में हमने नोट किया कि पानी थोड़ा सा गर्म है तो पानी को गर्म जो पानी का सी वाटर जो गर्म है उसको ठंडा होने में कोई ना कोई टाइम लगता है. क्यों क्योंकि वाटर की हीट कैपेसिटी कम है. तो अब यानी कि पानी यहाँ पे जो टेम्परेचर है एयर का वो गर्म है तो यहाँ पे क्या काम उल्टा हो जाएगा यहाँ पे हाई डेंसिटी से क्या हो जाएगी लो डेंसिटी एज कम्पेयर टू लैंड और लो डेंसिटी का मतलब है लो प्रेशर. अब जो ठंडी हवाएँ होंगी वो लैंड से चलेंगी सी की तरफ जिसे हम कहेंगे सी ब्रीज जिसे हम कहेंगे लैंड ब्रीज इन्हें हम कहेंगे जो लैंड से चलती हैं उन्हें लैंड ब्रीज कहते हैं और दिन के वक्त जो सी से लैंड की तरफ आती हैं उन्हें हम सी ब्रीज कहते हैं. तो बच्चों ये हमारा था ये कन्वेक्शन का कॉन्सेप्ट था हमारा जो हम डेली लाइफ में यूज होते हैं. नेक्स्ट बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट है जैसे कि क्यों एक जो ईगल है वो एक हाइट पर जाके अपने विंग्स को फ्लैप नहीं करती और वो उड़ती रहती है. जो एयर ग्लाइडर्स हैं वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो भी कन्वेक्शन करंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. अब मैंने एक एयर ग्लाइडर सा बना दिया है आप इमेजिन कर लेंगे ग्लाइडर सा बेटा अब ये जैसे ही अब जाते हैं एक हाइट पर जाते हैं
तो यानी कि इनके आप नोट करेंगे इनके पास कोई इंजन नहीं होता, तो ये क्यों ऊपर फ्लोट करते रहते हैं? क्यों? क्योंकि जो हॉट एयर होता है ये उसको फॉलो करते हैं, उसकी कन्वेक्शन करंट को, उसकी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं और उस डायरेक्शन के ऊपर ये तैरते रहते हैं उन। और वो जो राइजिंग हॉट एयर है उन्हें हम कहते हैं थर्मल्स। और ये क्या करते हैं, वो जो हॉट एयर ऊपर की तरफ जा रही है उनके ऊपर ये तैरते हैं, उन्हीं के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं क्योंकि वो इनको हाइट पर ले जाती हैं या और ऊपर जाते रहते हैं। मैं आपको इसको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि हमने इमेजिन करने के ये हमारा कन्वेक्शन करंट का साइकिल है। तो ये ग्लाइडर यहाँ से चढ़ेगा, अब देखें डायरेक्शन इसको ऊपर लेके जा रही है तो इसको ऊपर लेके जाता जाएगा, ऊपर लेके जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, अब फिर यहाँ से फिर ये आस्ता आस्ता नीचे आता जाएगा। तो इस डायरेक्शन पे ये फॉलो करते हैं। हाँ, इन कन्वेंशन करंट्स के ऊपर वो आगे पीछे हो सकते हैं, अपनी मर्जी से आगे पीछे प्रॉपर नहीं जा सकते। अगर हाँ इन कन्वेंशन करंट में हैं तो फिर मूवमेंट अपनी मर्जी से, अगर कन्वेंशन करंट के अंदर नहीं है तो फिर तो ये ग्लाइड भी नहीं कर सकते। सेम फिनोमेना इज फॉलो बाय द बर्ड्स, वो अपने विंग्स फैला लेती हैं आराम से। आपको लग रहा होगा यार ये क्या कर रही हैं, वो बेटा विंग्स फैला के ना वो थर्मल्स के ऊपर फ्लोट कर रही होती हैं। थर्मल्स क्या होते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी लो होती है और जो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, बस उसके ऊपर ये फ्लोट करते रहती हैं, उन पर कोई इनकी एनर्जी कोई पावर नहीं लगती। तो बच्चों था ये था हमारा ये यूजेज ऑफ कन्वेंशन करंट, जिसमें हमने लैंड ब्रिज, सी ब्रिज और ग्लाइडिंग पढ़ी है, और ये सब टॉपिक था कन्वेक्शंस का। तो एनी क्वेश्चन एनी क्वारीज यू कैन मेंशन इन कमेंट्स, ठीक है? और कोई भी रिलेटेड आपको जो चीज़ इस टॉपिक से रिलेटेड समझ नहीं आ रही आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।